वेलकम बैक टू एक लवे स्नातक आज की इस वीडियो में हम बी ए प्रोग्राम सेमिस्टर सेकंड के सब्जेक्ट अंडरस्टैंडिंग एंड ह्यूमन डेवलपमेंट से यूनिट फर्स्ट के थर्ड पार्ट को देखने जा रहे हैं और इसका फर्स्ट पार्ट और सेकेंड पार्ट हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं अगर आपने नहीं देखा है तो देख सकते हैं ठीक है थीके? यूनिट so, फर्स्ट के थर्ड पार्ट का नाम है रोल ऑफ फैमिली स्कूल एंड सोसाइटी इन ह्यूमन डेवलपमेंट तो ह्यूमन के डेवलपमेंट में फैमिली स्कूल और सोसाइटी का क्या रोल होता है बेसिकली हमें इस चीज को फोकस करते हुए इस चैप्टर को पढ़ना है ठीक है तो चलिए शुरू करते हैं और अगर हम सिलेबस की बात करें तो इस सब्जेक्ट में आपके पास तीन यूनिट्स हैं जो हम एक एक करके सभी कंप्लीट कर लेंगे ओके और आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन करना है जहाँ पे आपको सभी पीडीएफ प्रोवाइड कराई जाती है साथ ही साथ सभी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करी जाती है जो की है एक लव्य स्नातक वन ओके तो जैसा कि इस चैप्टर के नाम से ही पता चल रहा है आपको मैंने बताया कि ह्यूमन के डेवलपमेंट में जो हमारी फैमिली होती है सोसाइटी होती है और आसपास का जो भी हमारा कल्चर होता है सोसाइटी होती है उसके क्या लाइक like, इंपॉर्टेंस uh, रहते हैं उसको डिस्कस करना है तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं रोल ऑफ फैमिली जब हम फैमिली की बात करते हैं तो फैमिली किसी भी इंडिविजुअल के डेवलपमेंट में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है uh, हर एक एस्पेक्ट में आप देखेंगे तो उसके डेवलपमेंट में कहीं ना कहीं फैमिली जो है वो रिलेटेड होती है चाहे आप बच्चे की फर्स्ट लैंग्वेज सीखने से लेकर उसके फर्स्ट टाइम स्कूल जाने तक ठीक है कैसे उसको ड्रेसअप करना है उसकी सारी चीजें जो होती हैं वो फैमिली से रिलेटेड होती है तो फर्स्ट स्टेप या कह सकते हैं फर्स्ट स्टेज ऑफ लर्निंग जो किसी भी इंडिविजुअल का होता है वो उसकी फैमिली ही होती है ठीक है सो द फैमिली इज द स्मॉलेट यूनिट ऑफ ह्यूमन सोसाइटी ह्यूमन की सोसाइटी में बहुत ही स्मॉलेट यूनिट है फैमिली जो कंट्री uh, चाइल्ड uh, के बायोलॉजिकल पेरेंट के साथ साथ अदर जितने भी ब्लड रिलेटिव्स होते हैं वो हर एक तरीके से फैमिली जो है हर एक एस्पेक्ट में चिल्ड्रन के डेवलपमेंट में हेल्प करती है ठीक है ऑलमोस्ट एवरी एस्पेक्ट ऑफ द चाइल्ड डेवलपमेंट ठीक है और इसके साथ वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है ठीक है तो जो फैमिली है प्लेज अ रोल ऑफ अ प्राइमरी इंस्ट्रक्टर एंड कैटलिस्ट इन द डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड लैंग्वेज फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले तो लैंग्वेज में डेवलपमेंट में फैमिली का ही रोल uh, प्ले होता है बहुत बड़ा जो फैमिली में आपके लैंग्वेज यूज होता होगा आप उस लैंग्वेज को बहुत आसानी से सीख जाएंगे तो सबसे पहला ट्यूटर आप कह सकते हैं आपके फैमिली मेंबर्स ही है ठीक है और दूसरा इसमें अगर हम देखें तो फैमिली इज ऑल्सो डायरेक्टली रिलेटेड टू द फिजिकल डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड बिकॉज आपके अर्ली टाइम अर्ली चाइल्डहुड में आपको किस तरीके का न्यूट्रिशन मिल रहा है किस तरीके की चीजें जो है आपके चाइल्डहुड uh, के दौरान अर्ली अर्ली पीरियड ऑफ योर Childhood आप उस दौरान ही आपका डेवलपमेंट उस चीज पे डिपेंड करता है कि आपको किस चीज का न्यूट्रिशन कै, कैसा मिल रहा है ठीक है अगर आप लाइक like बहुत अच्छे फैमिलीज हैं तो आपको न्यूट्रिशन अलग देखने को मिलेगा अब अगर आप थोड़े से पुअर फैमिलीस हैं तो आप देखेंगे कि वहाँ पर थोड़ा सा आपका केयर करने की चीजें थोड़ी अलग होती हैं हालांकि सभी families जो है वो इंश्योर करती हैं अपने चाइल्ड को लाइक like, अच्छे से ट्रीट करने के लिए ठीक है तो न्यूट्रिशन आपको किस तरीके से दिया गया है वो आपके फिजिकल डेवलपमेंट में भी वही चीज डिपेंड करती है ठीक है और आपके फिजिकल ग्रोथ में भी वही चीज सबसे ज्यादा हेल्प करती है ठीक है दो एस्पेक्ट हो गए तीसरा अगर हम बात करते हैं तो बहुत ही अर्ली मोरल एजुकेशन की अगर हम बात करें जितने भी हमारा मोरल एजुकेशन होता है लाइक बड़ों से कैसे बात करना है ठीक है लाइक कैसे लोगों के साथ ट्रीट करना है ये सारी चीजें भी आप सबसे पहले फैमिली से सीखते हैं ठीक है तो इस चीज में भी फैमिली का रोल प्ले होता है ठीक है और भी

रोल इन इमोशनल डेवलपमेंट आपके इमोशनल डेवलपमेंट में भी आपकी फैमिली सबसे ज्यादा रोल प्ले करती है फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें वेन मदर कोल्ड एंड शोज एंगर टू चाइल्ड ही शी अंडरस्टैंड इमोशन ऑफ एंगर जब आपके लाइक like, स्टार्टिंग uh, में uh, जब आपका इन्फेंसी का पीरियड होता है तो उस टाइम जब आपके लाइक like, आपको म, आपकी मॉम जो है अगर वो आपको डांटती है या आपके ऊपर आपको थोड़ा सा लाइक like, uh, थोड़ा सा एंगर दिखाती है गुस्सा करती है तो उस चीज में उस टाइम पे आप क्या सीखते हैं नया इमोशन सीखते हैं एंगर का बिकॉज अभी जैसे जैसे आप बड़े होते हैं वैसे वैसे आप फैमिली में नहीं, नहीं को देखते हैं या like, uh, तो 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 है, तो है, है, कोई भी पर्सन आपको डांटता हैं तो आपको एंगर के इमोशन के बारे में पता चलता है ठीक है लाइक कुछ लोग uh, किसी बात पे हंसते हैं तो पे आपको हैप्पीनेस के इमोशन के बारे में पता चलेगा ठीक है तो ऐसे ही इन द सेम वे वेन ग्रैंड मदर कैरीज चाइल्ड विद लव और द दल बेबी चाइल्ड एक्सपीरियंस इमोशन ऑफ लव एंड अफेक्शन जब आपकी ग्रैंड माँ या कोई ग्रैंड पेरेंट होते हैं वो आपको बहुत ज्यादा आप प्यार करते हैं तो उस उस टाइम आप कौन से इमोशन के सीखते हैं लव और अफेक्शन को ठीक है तो इमोशनल डेवलपमेंट में भी आपकी फैमिली का रोल प्ले होता है साथ ही साथ द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द फैमिली ऑल्सो डायरेक्टली रिप्रेजेंट द रोल ऑफ फैमिली ऑफ इन ह्यूमन डेवलपमेंट तो ह्यूमन की डेवलपमेंट में फैमिली का रोल प्ले होता है उस चीज में फैमिली की इकोनॉमिक कंडीशन कैसी है वो भी बहुत ज्यादा रोल प्ले करती है साथ ही साथ जस्ट एज द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द फैमिली एस्पेक्ट डेवलपमेंट ऑफ इट्स यंग मेंबर्स द सोशल स्टेटस ऑफ द फैमिली आल्सो प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल कि आप किस फैमिली बैकग्राउंड से आते हैं आपके लाइक आपकी फैमिली का सोसाइटी में कैसा स्टेटस है वो चीज भी आपके डेवलपमेंट पे मैटर करती है ठीक है तो इस तरीके से फैमिली जो है कई पॉइंट्स में आपके किसी भी इंडिविजुअल के डेवलपमेंट में बहुत ज्यादा इन आप कह सकते हैं एवरी इन एवरी एस्पेक्ट जो है फैमिली का ही बहुत ज्यादा योगदान होता है नेक्स्ट अब हम देखते हैं रोल ऑफ नेबरहुड कम्युनिटी एंड सोसाइटी आपके नेबरहुड कम्युनिटी और सोसाइटी का क्या रोल प्ले होता है एज अ फैमिलीज एन इम्पोर्टेंट रोल इन ह्यूमन डेवलपमेंट सेम वे जो हमारे नेबरहुड होते हैं कम्युनिटी होती है सोसाइटी होती है वो भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है किसी भी इंडिविजुअल के ओवरऑल डेवलपमेंट में जैसे की फैमिली का रोल प्ले रहा है वैसे ही ठीक है सोसाइटी ऑल्सो हैज स्पेसिफिक एंड इम्पोर्टेंट रोल प्ले टू प्ले इन ह्यूमन डेवलपमेंट ठीक है साथ ही साथ एंड Individual in society often learns the moral rules from the initial structure he develops in the family, but sometimes it happens that society expects a different mora uh, morality from the morality learned in the family. आप आते हैं फॉर एग्जाम्पल आप आते हैं किसी पंजाबी फैमिली से ठीक है तो उस आ, पंजाबी फैमिली के आपके जो स्टार्टिंग के जो लाइक जितने भी मॉरल एजुकेशन वगैरह रहे होंगे वो थोड़े से डिफरेंट होंगे और अगर आप किसी और लाइक किसी और फैमिली से मिलते हैं आपके नेबरवुड में मान लीजिए कोई लाइक क्रिश्चियन लोग रहते हैं कोई अलग लोग रहते हैं तो उनकी मेंटेलिटी या उनकी चीज ना यहाँ पे लाइक अलग होगी तो आपको वहां पे देखने को मिलेगा कि अरे हमारे फैमिली में तो ये चीज ऐसे होती थी यहाँ पे तो ये चीज ऐसे होती है तो इस चीज में आप क्या देखते हैं कि जब आप सोसाइटी के साथ गेट टुगेदर करते हैं सोसाइटी से मिलना स्टार्ट करते हैं तो आप देखते हैं कि सोसाइटी में चीजें जो हैं कुछ अलग हैं ठीक है फॉर एग्जाम्पल जब आप गांव से शहर आते हैं तभी भी आप देखते हैं कि कैसे चीजें जो है बहुत ज्यादा चेंज होती हैं ठीक है थेके? तो इस चीज में क्या होता है कि आपके डेवलपमेंट में सोसाइटी का भी बहुत बड़ा रोल प्ले है है ना साथ ही साथ अ पर्सन अडोप्ट द इनिशियल लिंग्विस्टिक स्ट्रक्चर फ्रॉम द फैमिली बट बिकॉज ऑफ द डायरेक्ट इन्फ्लुएंस ऑफ सोसाइटी ही शी ऑल्सो लर्न डिफरेंट सिम्बल्स एंड जेस्टर्स रिलेटेड टू द लैंग्वेज एज यूज बाय द मेम्बर्स ऑफ द सोसाइटी कई बार होता है ना कि अब हम लाइक like किसी को लाइक like, अः uh, किसी के ना शब्बासी देनी होती है तो कई बार ये होता है ना कि हम बिना बोले बस उनकी पीठ को थपथपा देते हैं तो वो एक सिंबल की तरह हुआ ना एक हमारा जेस्चर हुआ जिसके थ्रू हम बात करते हैं सोसाइटी में कई ऐसे जेस्टर्स होते हैं तो जब आप सोसाइटी में निकलते हैं लोगों से बात करते हैं तब आपको कुछ सिम्बल्स नए सीखने को मिलते हैं जेस्टर्स के बारे में पता चलता होता है पता चलता है कि अच्छा इस जेस्चर का मतलब ऐसे होता है ठीक है सो so, ये सारी चीजें हैं यहाँ पे तो सोसाइटी और नेबरहुड ये भी बहुत ज्यादा रोल प्ले करती है ठीक है नेक्स्ट हम देखते हैं इसी के आगे पॉइंट है द सोसाइटी प्रोवाइड्स इनफॉर्मल ट्रेनिंग टू मेक्स पर्सन अ सोशल ऑर्गेनिज्म कई कई बार क्या होता है ना आप अपनी फैमिली से बहुत ज्यादा फ्रेंडली मैनर में बात करते हैं तो कई बार सोसाइटी में क्या होता है आपको थोड़ा लाइक फॉर्मल होकर बात करना होता है और कुछ इनफॉर्मल चीजों को थोड़ा सा पीछे साइड करना होता है ठीक है ताकि आप सोसाइटी के ऑर्गेनिज्म में फिट हो पाए सो हेयर सोशल ऑर्गेनिज्म मीन्स अ पर्सन हु इम्बाइब्स ऑल द वैल्यूज ट्रेडिशन मोरल कल्चर ऐसा नहीं कि अगर आप किसी सोसाइटी में जा रहे हैं किसी समाज में अगर मिल रहे हैं तो उनके वैल्यूज को उनके ट्रेडिशन को आप कुछ गलत बोलेंगे तो फ्रेंड्स ग्रुप्स प्ले स्पेसिफिक रोल साथ ही साथ फैमिली के साथ साथ ना सोसाइटी के साथ साथ आपका जो फ्रेंड का ग्रुप होता है फ्रेंड्स का ग्रुप होता है वो बहुत ज्यादा रोल प्ले होता है वो लाइन कहते हैं ना जैसी संगति वैसी रंग रूप सारे आपके हो जाते संगति का बहुत बड़ा असर पड़ता है तो वैसे ही आप देखेंगे कि कि आपका जैसा फ्रेंड सर्कल होता है वो, वो ये बात भी आपने सुनी होगी आप अपने दो चार फ्रेंड्स को ले आओ मैं तुम्हारे बारे में बता दूंगी है ना तो ऐसी लाइन क्यों बोला जाता है बिकॉज ये जो फ्रेंड्स का ग्रुप होता है ना आपका वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके डेवलपमेंट में आप देखेंगे कि अगर किसी का फ्रेंड सर्कल जो है वो बहुत आ, मतलब सारे उसमें ना बच्चे लाइक इंटेलिजेंट है पढ़ने लिखने पे ज्यादा ध्यान देते हैं तो आप देखेंगे उस ग्रुप का हर एक बच्चा जो होगा ना वो पढ़ाई लिखाई से ज्यादा लाइक होगा और किसी को पता होगा किसी का फ्रेंड सर्कल ऐसा होगा जिनको घूमना बहुत पसंद होगा तो आप देखेंगे उनके ग्रुप के मेंबर जो है वो आए दिन कभी यहाँ घूम रहे कभी वहां घूम रहे ठीक है तो फ्रेंड सर्कल फ्रेंड ग्रुप जो होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल पे करता है ठीक है सो

कल्चर्स हैं सभी के लाइक थोड़े त्यौहार भी डिफरेंट डिफरेंट है उनका बोलने का तरीका डिफरेंट है चीजों को समझना चीजों के बारे में बताना वो सारी चीजें थोड़ी थोड़ी अलग है तो उस चीज में भी क्या सीखते हैं आप बहुत सारे डेवलपमेंट करते हैं अपने अंदर और बहुत सारे डायमेंशन को सीखते हैं कि सोसाइटी में चीजें जो होती है उसका कल्चर ऐसा भी होता है रिलीजन्स होते हैं इतने सारे ये सारी चीजें आप यहीं से सीखते हैं ठीक है थीके? और अगर सोसाइटी और कल्चर की अगर हम बात करते हैं तो उसमें ना एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है जिसमें आपका हो जाता है लाइफस्टाइल फूड क्लोथिंग लैंग्वेज एटसेट्रा फॉर एग्जांपल देखिए कोई साउथ इंडियन पर्सन है तो उसका फूड का ज्यादातर प्रेफरेंस क्या होगा साउथ इंडियन फूड और उसकी लैंग्वेज भी वहां की जैसे ही होगी ठीक है कोई नॉर्थ इंडियन है तो उसका ड्रेसिंग सेंस अलग होगा उसका फूड को फेवर आ, कुछ आ, फूड खाने का तरीका उनको लाइक चीजें जो तो पसंद आती होंगी वो अलग होगा ठीक है तो ये सोसाइटी के डिपेंड करता है बिकॉज आप आप बचपन से लाइक साउथ इंडिया में रहे हैं तो ऑब्वियसली आपको साउथ इंडियन चीजें ज्यादा पसंद होंगी है ना तो इस तरीके से सोसाइटी जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है किसी भी इंडिविजुअल के डेवलपमेंट में ओके okay? नेक्स्ट हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल आ जाता है स्कूल का जहां पर आप अपने लाइफ के बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टाइम जो होता है वो आप अपने स्कूल में ही बिताते हैं तो इस वजह से जो आपका स्कूल होता है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके डेवलपमेंट में ठीक है

दिस इंक्लूड्स डिफरेंट लैंग्वेज स्किल्स फॉर्मल कम्युनिकेशन स्किल्स फिजिकल एक्स एक्सरसाइजेस स्पोर्ट्स एटसेट्रा ये सारी चीजें कहाँ सीखते हैं आप अपने स्कूल में ही सीखते हैं ठीक है सो अ पर्सन इन स्कूल यूजली एंटर्स एट द एज ऑफ फाइव है ना और एग्जिट लेते हैं एज ऑफ सिक्सटीन और सेवनटीन राइट सो so, ये बहुत ही लॉन्ग टाइम ऑफ पीरियड होता है जो आप अपने लाइफ का बिताते हैं अपने स्कूल में तो इस वजह से स्कूल का आपके डेवलपमेंट में ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है दिस इज अ फेयरली लॉन्ग टाइम दैट अ चाइल्ड स्पेंड्स इन स्कूल राइट स्कूल इज अ प्लेस दैट प्रोवाइड स्पेस एंड अपॉर्चुनिटी ऑफ इंटरक्शन टू मेनी सोशल प्रोसेस चिल्ड्रन कम्स टू स्कूल फ्रॉम डाइवर्स सोसाइटी जैसा कि मैंने आपको बताया स्कूल में बहुत डाइवर्स सोसाइटी से चिल्ड्रन uh, जो है वो आते हैं एंड दिस डाइवर्स डाइवर्सिटी Holds different classes, religions, communities, and cultures, right? सो so, ये चीज थी यहाँ पे कि स्कूल का भी अपने आप में बहुत ज्यादा रोल प्ले होता है भले ही आप अपने लैंग्वेज को लेकर कह लीजिए ले आपके फिजिकल अपियरेंस से लेके आपको लाइक लेक, स्पोर्ट्स में अगर इंटरेस्ट जागता है तो आपने स्कूल में सीखा स्कूल में खेलना स्टार्ट किया ठीक है तो ये सारी चीजें आपकी डेवलपमेंट हुई तो इस तरीके से अभी हमने देखा फैमिली का सोसाइटी का कल्चर का और आपके स्कूल का क्या रोल प्ले होता है किसी भी इंडिविजुअल के डेवलपमेंट में ठीक है तो अब हम अगर बात करें तो ये तीनों ही ना अपने आप में एक लाइक आप कह सकते हैं एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है इंटरलिंक्ड है बिकॉज देखिए जब आप आ, आ, स्कूल में जाते हैं तो वहां पे भी आप स्कूल में जाते हैं तो आपकी फैमिली का वहां पे रोल प्ले होता है ठीक है और सोसाइटी में भी आपकी फैमिली का रोल प्ले होता है और जब आप सोसाइटी फैमिली uh, में है तो वहां पे सोसाइटी का भी रोल प्ले है तो इस तरीके से आप कह सकते हैं कि फैमिली स्कूल और सोसाइटी ये तीनों आपस में एक तरीके से आप कह सकते हैं बिल्कुल रिलेशनशिप जो है इन तीनों का कनेक्टेड है एक तीनों से ठीक है दीज इंस्टीट्यूशन आर म्यूचुअली इंटर रिलेटेड एंड रेगुलरली इंटरेक्ट विथ ईच अदर ये रेगुलरली एक आपस में सब मिलते हैं एक दूसरे से राइट right? आप स्कूल जाते हैं तो वहां पे अगर कुछ मीटिंग वगैरह होती है तो उसमें आपके फैमिली जाते हैं ठीक है ना तो और और सोसाइटी में कोई फंक्शन होता तो उसमें आप जाते है को, को तो उसमें उसमें आपके फैमिली फैमिली जाते हैं में कोई कोई फंक्शन वगैरह तो आपकी सोसाइटी जो है वो इन्वॉल्व होती है तो इस तरीके से आ, ये तीनों जो है आपस में कनेक्टेड होते हैं ठीक है सो वेन वी लुक एट द फैमिली ऑन द वन हैंड इट इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ सोसाइटी एंड ऑन द अदर हैंड इट इज रेगुलरली एसोसिएटेड विद द स्कूल इन रिलेशन टू इट्स चाइल्ड है ना तो इस, इस से हैं कि कैसे जो सोसाइटी है वो फैमिली जो है वो एक तरीके की का पार्ट है, है और जो फैमिली है वो साथ ही साथ अपने स्कूल uh, हो जाती है बिकॉज उसका चाइल्ड वहां पे पढ़ रहा है ठीक है तो इस तरीके से द इम्पोर्टेंट थिंग इज here दैट बींग एट सेंटर चाइल्ड इज अ पर्सन हु कीप्स दिस इंस्टीट्यूशन कनेक्टेड विद each तो so, यहाँ पे सेंटर में कौन रहता है चाइल्ड जिसका डेवलपमेंट इन्हीं तीनों पर कनेक्टेड होता है ठीक है जो एक एक ही साथ तीनों को एक कनेक्ट करता है इ, इ, तीनों ही एस्पेक्ट से जो है कनेक्टेड होता है ठीक है सो डिस्कस्ड थ्री इंस्टीट्यूशन हैव ग्रेट रोल टू प्ले इन द प्रोसेस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट बैकग्राउंड इस, इस पिक्चर से आप और अच्छे से समझ सकते हैं कि कैसे फैमिली से फैमिली कहाँ से सोसाइटी और स्कूल दोनों से कनेक्टेड है और सोसाइटी से स्कूल भी कनेक्टेड है बिकॉज सोसाइटी में जिस तरीके का लाइक like, चीजें होती होंगी उस तरीके से आपको चीजें सिखाई जाएंगी स्कूल में ताकि आप एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बन पाए ठीक है तो इस तरीके से आप कह सकते हैं तीनों जो है आपस में इंटरकनेक्टेड है ठीक so है सो द लेसन अटेम्प टू एक्सप्लेन द रोल ऑफ फैमिली सोसाइटी एंड स्कूल इन अ यूनिक वे ठीक है ट दीज इंस्टीट्यूशन आर म्यूचुअली इंटर रिलेटेड एंड रेगुलरली इंटरक्ट विदर ये इंटर रिलेटेड है एक दूसरे से और बहुत ही अट्रैक्ट करते हैं ठीक है सो द स्कूल इन ट सोसाइटीटेड एंड ऑल्सो रेगुलरली इंटरैक्ट विद एन इंस्टीट्यूशन कॉल्ड फैमिली तो स्कूल की अगर हम बात करें यहाँ से दूसरे एग्जाम्पल से समझे तो जो स्कूल है वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सोसाइटी से भी कनेक्टेड है जहा पे जिस सोसाइटी में स्कूल है वो उस सोसाइटी से कनेक्टेड है ठीक है और साथ ही साथ जो स्कूल है वो उस फैमिली से भी कनेक्टेड है बिकॉज उसका चाइल्ड पे पढ़ रहा है, तो फैमिली से भी कनेक्टेड है तो इस तरीके से कह सकते हैं एक, एक जरूर पढ़ना है ताकि आपको सारी चीजें समझ में आ जाए होप so, कि हमने यहाँ पे जितनी भी चीजें देखी आपको सारी समझ में आएंगे अगर आपको कुछ पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं सो थैंक्स फॉर वॉचिंग